वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो आपने कैसे फिल करना है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि जो पब्लिक नोटिस जेई मेन्स की 2022 की निकली है वहां पे आपको पेपर के रिलेटेड क्या दिया गया है, इसके अलावा आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में लाइव कि आपने रजिस्टर कैसे करना है, उसके बाद आपका जो फॉर्म फिल वो आपने कैसे करना है, इसके अलावा आपने कैसे एग्जामिनेशन फी और आपका एग्जामिनेशन फी कितना है, ये सब चीजें हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। इसमें हम हर एक सेटअप जो है वो आपको लाइव दिखाएंगे। अगर ज्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप डायरेक्ट हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है या आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से और लैपटॉप से आप अपने ब्राउजर में jeemain.nta.nic.in दे सकते हैं। वहां आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होते ही अगर आपको जो इसकी टर्म्स कंडीशंस डायरेक्ट पता है तब जाके आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले आपने फॉर्म फिल करने से पहले आपने जो पब्लिक नोट्स है उस पर क्लिक करना है। वो जो नोट्स है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पब्लिक नोट्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी पीडीएफ फाइल जो है वो ओपन हो गई। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो जेईई मेन्स का एग्जाम है वहां पे टू पेपर्स होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू। जो पेपर वन है उसमें जो भी एडमिशन करना चाहता है यूजी प्रोग्राम जैसे बीई, बीटेक में, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या अदर सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय पार्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट, या अगर वो चाहता है इट इज आल्सो एन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि जेईई एडवांस का एग्जाम देना, ये पेपर जो है ये उसके लिए भी है। और जो पेपर टू है वो एडमिशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बी आर्क एंड बी प्लानिंग कोर्सेज के लिए कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। जेईई मेन्स का जो एग्जाम है वो टू सेशंस में लिया जाएगा फॉर द एडमिशन ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2022-2033। यहाँ पे जो सबसे पहले डिटेल्स है, पेपर वन में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट्स है। सेक्शन ए में आपको 20, 20 एंड 20 हर किसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में आपको 10, 10 एंड 10 यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल जो यहाँ पे क्वेश्चंस है वो 90 यहाँ पे रहेगा पेपर वन के लिए। आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट जो इसमें है वो 9 AM to 12 रहेगा और सेकेंड शिफ्ट यहाँ पे जो है वो 3 PM to 6 PM रहेगा। पेपर टू में आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली आपने किस पेपर के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आप यहाँ पे नोट्स में देख सकते हैं। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो सेशन वन का है वो 16 अप्रैल 17, 18, 19, 20 एंड 21 है और जो सेशन टू है मई वाला सेशन उसमें आप यहाँ पे डेट्स जो है वो देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फ्रॉम 1 मार्च ऑलरेडी शुरू हुए है। आप फ्रॉम 1 मार्च जो 31 मार्च अप टू 5 PM इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फी है वो आपने यहाँ पे ऑनलाइन करना है। आप किसी भी पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसी के जरिए यहाँ पे जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। ज्यूरिंग जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करोगे वो हम आपको वीडियो में लाइव दिखाएंगे। आपने फॉर्म जो है वो फुली केयरफुली के साथ आपने 2-3 बार चेक करना है तब जाके आपने लास्ट में सबमिट करना है। नोट्स पढ़ने के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन्स पे क्लिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पॉपअप ओपन होगा, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, सेटअप्स फॉर ऑनलाइन और यहाँ पे आपको साइन इन। सबसे पहले अगर आप न्यू है तब जाके आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो है वो क्लिक करनी है। यहाँ पे जो आपको 3 स्टेप्स है, सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, उसके बाद जो फॉर्म है उसको फिल ऑनलाइन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फी करना है।
हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपने खाली पेपर ए के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी वो आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो फी है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तब जाके आपका इतना फी है, उसके बाद अगर आप आउटसाइड है तब जाके आपने यहाँ पे इतना फी जो है यहाँ पे जो दिया गया है उतना फी आपने यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर्म फिल करने से पहले, वो रीड करने के बाद आपने यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपका जो कैंडिडेट नेम है वो देना है, उसके बाद फादर्स नेम देना है, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद जो आपका DOB है वो आपने यहाँ पे देना है, उसके बाद जो आपका जेंडर है वो आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पैन कार्ड है आप वो देख सकते हैं, अगर आपके पास स्कूल आईडी कार्ड है आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और कार्ड है वो देने के बाद आपने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आपने यहाँ पे देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पे देना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल है सब लोकलिटी, उसके बाद जो आप लोकलिटी आपकी है वो देनी है, उसके बाद किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे देनी है, उसके बाद किस स्टेट से वो आपने यहाँ पे देनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो आपकी ईमेल है वो आपने यहाँ पे देनी है, फिर आपने नेक्स्ट टाइम और कंफर्म ईमेल यहाँ पे देनी है, उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद कंफर्म मोबाइल आपने यहाँ पे देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर है तब जाके आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तब जाके आपने यहाँ पे टिक करनी है। उसके बाद लास्ट में आपने यहाँ पे पासवर्ड जो है वो चूज करना है। पासवर्ड जो आपको ऑलरेडी दिया गया था इंस्ट्रक्चर्स में, आपके पासवर्ड में नंबर होने चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे @ हैश या डॉलर सिंबल, उसके बाद एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और बाकी स्मॉल अल्फाबेट्स जो भी है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पे देके आपने यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी देना है जैसे व्हाट्स नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, उसके बाद सिक्योरिटी आंसर देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी पिन देके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ऐसा पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको या एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हो या आपने यहाँ पे सबमिट अपना जो OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा आपने वो यहाँ पे देना है। इसको क्लोज करने के बाद आप यहां पे अपने डिटेल जो है वो देख सकते हो, उसके बाद आपने यहां पे टिक करना है। अगर आपने अपना नेम है वो देखा है, उसके बाद फादर नेम अगर आपने वो भी देखा है वो करेक्ट है टिक करना है, मदर नेम देखना है उसके बाद टिक करना है, DOB ईमेल मोबाइल नंबर एड्रेस जेंडर जो भी यहां पे है वो सब आपने यहां पे टिक करके उसके बाद यहां पे आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर आपकी सारी डिटेल जो है वो करेक्ट है तब जाके आपने यहां पे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड एंड सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपको जो भी आपने गिवन नंबर मोबाइल नंबर दिया होगा उस पे OTP आया होगा, आपने वो OTP यहां पे देने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आपको अपना होम चेंज पास पासवर्ड कोई क्यूरी होगी वो देख सकते हैं, लॉगआउट अपना अकाउंट है वो करना है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट दिखाता है, उसके बाद आपने यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है, आपने वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आया होगा या आपके पास जो मोबाइल नंबर है उस पे भी इनबॉक्स आपको आया होगा, आपने यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस कॉन्टेक्ट डिटेल्स कंप्लीट दिखा रहा है, उसके बाद आपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आधार डिटेल्स एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स एडिशनल डिटेल्स डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट में फाइनल सबमिट करना है। आपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करनी है। पर्सनल डिटेल्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम ऑलरेडी आया होगा, डेट ऑफ बर्थ जो आपने दिया होगा वो भी आया होगा, उसके बाद जेंडर फादर्स नेम मदर्स नेम, उसके बाद नेशनलिटी आपने यहाँ पे जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने जो 12th है वो कहाँ से अपियर किया है, वो जो स्टेट है उसका आपने यहाँ पे देना है, उसके बाद कैटेगरी कौन सी आपकी वो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद अगर आपके पास PWD कैंडिडेट है
तब जाके आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आर यू अ डायबिटिक यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नो। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ से, अर्बन आर रूरल, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम जो है वो आपकी कितनी है। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने यहाँ पे जो है वो बतानी है कि आप ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग कहाँ से आपने करी है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद मीडियम ऑफ स्कूलिंग आपने यहाँ पे बतानी है, जो आपका स्कूल उस पर मीडियम कौन सा, क्या आपको हिंदी में, इंग्लिश में, वो आपको क्या है, वो आपने यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे एंटर करना है। सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऐसी मैसेज आएगी, आर यू श्योर वॉन्ट टू सबमिट दिस सेशन, यस। उसके बाद आपने यहाँ पे जो अपना आधार नंबर है वो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो सबमिट करना है। आधार डिटेल पे सबमिट करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप चाहते हैं कि माय इंफॉर्मेशन ऑन आधार, अगर आपकी इंफॉर्मेशन आधार और जो आपने यहाँ पे फॉर्म पे दी है वो अगर सेम नहीं है, तब जाके आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आई एम नॉट विलिंग टू शेयर आधार नंबर, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, तब जाके आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आपकी आधार डिटेल्स करेक्ट है और यहाँ पे भी डिटेल्स करेक्ट है, तब जाके आपने यहाँ पे क्लिक करनी है। उसके बाद आपको ये यहाँ पे नीचे आधार नंबर मांगेगा, आपने वो देने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म दैट पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे पेपर वन पे के लिए एग्जाम देना है, तब जाके आपने यहाँ पे पेपर वन सिलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आपको पेपर टू भी देना है, तब आप यहाँ पे पेपर टू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर मीडियम आपका कौन सा है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद एग्जाम सिटी फर्स्ट चॉइस आपकी कहाँ की रहेगी, आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपकी नियरेस्ट स्टेट होगी। उसके बाद जो सिटी होगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सेकंड चॉइस आपकी कहाँ पे रहेगी, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद वहाँ पे जो सिटी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसी तरह थर्ड चॉइस आपकी क्या रहेगी, वो आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी नियरेस्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो फादर ऑक्यूपेशन है वो आपने यहाँ पे देनी है, फादर की क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद मदर की जो ऑक्यूपेशन है वो आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद मदर की जो क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे देनी है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे टेंथ की डिटेल्स देनी है, ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है आपका टेंथ का, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन एग्जाम कौन किया है, उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपने कहाँ से की है, रूरल और अर्बन, वो आपने करना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल क्या रहा है आपका, गवर्नमेंट रहा है, प्राइवेट रहा है, वो आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करने है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट क्या रहा है आपका, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट क्या रहा है आपका, वो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज में या सीजीपी में जहां पे भी है आप दे सकते हैं। रोल नंबर जो है वो आपने यहां पे देना है। रोल नंबर देने के बाद स्कूल एंड कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज का जो पिन है वो आपने यहां पे देना है। उसके बाद ट्वेल्थ की जो डिटेल्स है वो सेम इसी तरह आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देनी है। उसके बाद ये सब डिटेल्स देने के बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी पिन देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स देनी है, जैसे कि आर यू ए ट्विन, अगर आप ट्विन है तब जाके आपने यस आर नो देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो आपने यहाँ पे देने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एडिशनल डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पे अपना फोटोग्राफ विदाउट मास्क होना चाहिए और इसके अलावा सिग्नेचर जो है वो आपने पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो आपका है वो आपको 10 टू 200 केबी का होना चाहिए और जो आपका सिग्नेचर है वो 4 टू 30 केबी का यहां पे होना चाहिए। इमेज कंप्रेस करने के लिए आपने अपने ब्राउजर में जाना है। उसके बाद आपने इमेज कंप्रेशन जो है वो टाइप करना है। इमेज कंप्रेशन टाइप करने के बाद आपको जो सबसे पहली वेबसाइट imagecompression.com है आपने उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो अपलोड फाइल करनी है। अपलोड फाइल करने के बाद आपने अपने ब्राउजर पे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओरिजिनल इमेज है वो 502 KB है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो कॉम्प्रेस करनी है, कॉम्प्रेस करने के लिए आपने यहाँ पे माउस
को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कितनी आपने कंप्रेस करनी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू 481 KB अभी भी दिखा रहा है। आपने यहाँ पे जो इमेज का कंप्रेशन जो करना है वो आपने अप टू 200 KB तक करना है। इसके बाद आपने ये जो स्क्रॉल आपने माउस किया 27% क्वालिटी, आपकी जो प्रीव्यू यहाँ पे 192 KB है, उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे जो अपनी इमेज है वो जूम करनी है इसी बॉक्स में। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करनी है। अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करनी है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे आपको आएगी मैसेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर आपको आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुई दैट मीन्स आपकी जो फाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको उसको सबसे पहले कंप्रेस करना है तभी जाके वो यहाँ पे अपलोड होगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो आपने यहाँ पे देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिव्यू पेज आएगा जहाँ पे आपको बताता है कि जो आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, जेंडर कैटेगरी, उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम, इसके अलावा स्टेट जहां से आपने 12th पास किया है वो सब आपने यहां पे जो है वो चेक करने हैं। डिटेल चेक करने के बाद आपको यहां पे इन सब चीजों पे ये सब जो चीजें हैं वो यहां पे टिक करनी है। दैट मीन्स कि आपने जो डिटेल्स है वो आपने एक और बार जो है वो आपने चेक करी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक करनी है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कंप्लीट दिखा रहा है और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट दिखा रहा है। अब आपने यहाँ पे जो फी पेमेंट है वो आपने यहाँ पे देनी है। फी पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पे बता रहा है कि मोबाइल नंबर जो है वो आपका वेरीफाई हुआ है लेकिन जो आपकी ईमेल है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। आपने यहाँ पे योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड पे क्लिक करना है। वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईमेल जो है वो दी जाएगी। उसके बाद आपको जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है वो एंटर करना है। सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि चेंज ईमेल आईडी करना, आपने यहाँ पे चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको ईमेल पे एक OTP आया होगा, आपने वो OTP जो है अपने ईमेल पे देखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई ईमेल करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू गो होम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो पे 650 क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल है, अगर आपकी ST SC है तब जाके आपने 350 करनी है। अदरवाइज अगर आपने पेपर A&B के लिए अप्लाई करना है तब जाके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फी आएगा। पे करने के लिए आपने यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फी ₹60 पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करनी है। आपको यहाँ पे पॉपअप आएगी, आर यू श्योर डू यू वांट टू गो फॉर पी पेमेंट, यस ओके ओके पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना नेम, कैंडिडेट, एप्लीकेशन, उसके बाद आपने पेटीएम थ्रू करना है, HDFC, ICICI बैंक, जो भी आपने करना है। आपने मैं यहाँ पे पेटीएम पे करता हूँ। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेटीएम मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे देना है और उसके बाद प्रोसीड पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। पेटीएम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो पेटीएम का मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, या अगर आपके पास UPI है वो आप दे सकते हैं, या नेट बैंकिंग जो भी आपके पास है वो देने के बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका फी है वो आपको यहाँ पे सबमिट होगा। This is all about the today's video. During video, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम विदिन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स।